हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिस्ट विद नीतू। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इस साड़ी का ड्रेप, और ये ऑर्गेन्जा साड़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक देती है आपको, और ये साड़ी पहनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बस मैं आज आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी कि आप इस साड़ी को कैसे पहन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो कभी भी जब साड़ी पहनते हैं तो हमेशा हाई हील पहननी चाहिए, और यहाँ पर जो है मैंने साड़ी से मैचिंग जो है हाई हील पहनी हुई है। मैंने यहाँ पर सिल्वर जो है उसको पूरा टीम अप करूँगी इस वाइट साड़ी के साथ। तो मैंने यहाँ पर ये वेजेस पहने हुए हैं, और साड़ी का जब भी हमारा जो पेटीकोट होता है ना वो इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए कि फॉल और पेटीकोट के बीच में जो गैप होता है ना वो बिल्कुल ही नहीं दिखना चाहिए, बहुत ही अजीब लगता है। इसलिए जो आपका पेटीकोट होता है ना वो लंबा होना चाहिए ताकि बिल्कुल ही विजिबल ना हो। तो सबसे पहले हम साड़ी को इस तरीके से टक इन कर लेंगे, और ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। इसकी वजह से जो साड़ी का लुक आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आगे और पीछे साइड से, दोनों साइड से अच्छा खासा टाइट आप इसे जो है टक इन कर लीजिए। इससे आपकी साड़ी का ओवरऑल जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये ऑर्गेन्जा साड़ी है तो ये थोड़ा जो है फूली फूली सी रहती है, थोड़ा स्टिफ सी रहती है, तो इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है अपने प्लेट्स बना लूँगी, पल्लू बना लूँगी, और इस तरीके से छोटा छोटा सेक्शन लेती जाऊँगी और ऊपर की तरफ करती जाऊँगी, और ये साड़ी बहुत 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 रिच लुक देती है आपको। और इस तरीके से जो है अगर आप एक छोटा छोटा सेक्शन लेंगे तो आपका जो साड़ी का जो प्लेट्स है वो बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और इस तरीके से साथ में प्रेस भी करते जाएंगे तो आपकी जो साड़ी का लुक है वो भी बहुत अच्छा आएगा। इस साड़ी का जो रिव्यू है वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदी है, कहाँ से खरीदा है वो सब शेयर करूंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं साड़ी में टैसल लगे हुए हैं, और ये टैसल साड़ी के साथ नहीं आए थे, ये मैंने जो है अलग से खुद लगाए हैं। इसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगी, मतलब इस साड़ी में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत 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 मेहनत की है कि किस तरीके से इसको जो इसका पूरा 100% मैं अचीव कर पाऊँ, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर प्लेट में जो है ऊपर सेफ्टी पिन लगा दिया है, और ये साड़ी जो है ना बहुत जल्दी टियर हो सकती है, तो मैं कोशिश करूँगी इसमें ज़्यादा सेफ्टी पिन ना लगाने की। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 सेफ्टी पिन लगाऊंगी अभी इस समय। जब तक मैं अपनी साड़ी को सेट करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं अपने चैनल पर हमेशा इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से खींच कर जो है एक हम सेफ्टी पिन लगाएंगे, जितना भी हम इस साइड में लगाएंगे उतना ज्यादा जो है साड़ी का जो लुक है वो काफी अच्छा आएगा। साड़ी में जब साइड फिटिंग आती है ना तभी साड़ी का लुक है वो काफी अच्छा आता है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम नापेंगे, और फिर यहाँ से जो पॉइंट आएगा वहीं से जो है हम अपनी साड़ी की प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे रेगुलर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको मालूम होगा मैं हमेशा इसी तरीके से प्लेट्स बनाती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है साड़ी की जो प्लेट्स हैं उसे हम इस तरीके से झटक लेंगे, और झटकने से भी कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब क्योंकि साड़ी इतनी ज़्यादा स्टिफ है ना तो इसको पहनना, इसकी जो प्लेट्स बनाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ जो नेवल है उसके जस्ट बीचों बीच जो है हमें साड़ी की जो प्लेट्स है उसे टक इन कर लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो साइड में है वो सेट करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन यार ये साड़ी का जो लुक है ना वो अच्छा आ ही नहीं रहा था, मतलब साइड से बहुत ज़्यादा फूली फूली अजीब लग रही थी। तो फिर मैंने इसको निकाल दिया, और मैंने इसका सेफ्टी पिन निकाल दिया, फिर मैंने सोचा इसको दूसरे तरीके से पहनी जाए। उसके बाद फिर से मैंने जो है साड़ी का जो इस तरीके से यहाँ पे नापा, और जहाँ से जो पॉइंट आया है वहीं से जो है मैं इसकी जो प्लेट्स है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। और साड़ी का जो मैंने जब सेफ्टी पिन लगाया ना उसमें लुक ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा दूसरे तरीके से ट्राई करती हूँ, और इस तरीके से जो है प्लेट्स बनाई। और यहाँ पर जो है इतना जो करीबन जो कपड़ा है हम छोड़ देंगे, यहाँ पर ये वाला कपड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि अगर साड़ी अगर आप पहनो और उसका प्रॉपर लुक नहीं आया ना तो फिर कोई मज़ा ही नहीं है, मतलब साड़ी पहनना बिल्कुल ही बेकार है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो प्लेट है इसका ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, और इसको इस तरीके से छोड़कर और ये जितनी प्लेट्स हैं उसे हम जो है वो टक इन कर देंगे। और हमेशा जब भी आप साड़ी की जो आगे वाली प्लेट्स हैं उसे टक इन करें तो हमेशा नेवल के जस्ट बीचों बीच उसे टक इन करें, उससे जो है आपकी साड़ी का जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है।
और इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे टक इन कर लिया है अपनी साड़ी को। अब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि साइड में जो है आपका लुक कैसे आएगा, उसके लिए आप यहाँ पर जो है हाथ डालेंगे, जो आपने जो साड़ी का पोर्शन छोड़ दिया था करीबन एक या दो प्लेट्स जो छोड़ दिया था, उसको आप इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से कपड़ा खींच कर यहाँ पर जो है अंदर टक इन कर लेंगे। इससे जो है आपको साड़ी में पिन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और केवल आपने एक ऊपर पिन लगाया है, पूरी साड़ी में सिर्फ एक पिन लगा हुआ है और आपकी साड़ी बहुत अच्छे से सेट हो गई। अब ये जो नीचे वाली प्लेट्स है उन्हें कैसे सेट किया जाए, अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से कहीं भी बैठ जाएं और उसके बाद जो है अपनी साड़ी की जो नीचे वाली प्लेट्स हैं उन्हें सेट कर लें। तो इस तरीके से ना आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि मैं किसी की हेल्प ना लूँ, सारे काम खुद ही कर लूँ। इस तरीके से सेट करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और देखिए यहाँ पर फाइनल लुक हो गया है, और आज मैंने सोचा कि आज आपको जो फाइनल लुक के लिए थोड़ा बाहर लेके जाया जाए, आप बैकग्राउंड किया जाए। यहाँ पर जो है मेरी साड़ी को कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने पिंक मेकअप किया है, पिंक को ज़्यादा फोकस किया है, जो लिपस्टिक है, इयररिंग्स है, क्योंकि यहाँ मेरा जो ब्लाउज है वो पिंक है, तो उसी से मैचिंग करते हुए मैंने सारा मेकअप और सब कुछ किया। यहाँ पे जो स्टड है वो भी मैंने बहुत ही छोटे छोटे पहने, क्योंकि साड़ी बहुत ही ज़्यादा जो है एक एलिगेंट लुक देने के लिए आप अगर उसमें ज़्यादा हैवी पहन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और साड़ी का पूरा जो कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर क्लच लिया हुआ है, और आप हमेशा साड़ी में जो है ना पर्स लेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे जो मेरी सैंडल और जो मेरे क्लच है वो बिल्कुल ही मैचिंग हो रहे हैं, तो मैंने उन दोनों को मैच किया है और अपने इयररिंग और लिपस्टिक को मैच किया है, और बहुत ही ज्यादा जो आउटकम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर जो आप ब्लाउज में पीछे जो टैसल्स टाइप के लगे हुए हैं उसका जो वीडियो है वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, वो भी मैंने खुद ही बनाया है। और इस साड़ी को कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा जो है ट्राई किया, बहुत ही ज्यादा कोशिश की इसका जो साड़ी का जो लुक है काफी ज्यादा अच्छा आए, क्योंकि साड़ी अगर आप पहन लेते हैं उसके साथ भी जो एक्सेसरीज जो आप उसके साथ जो अटैच करते हैं अगर वो अच्छी नहीं हुई तो आपकी जो साड़ी है उसका लुक अच्छा नहीं आता है। यहाँ पर जो है मैंने साड़ी के साथ जो है एक सिंपल सी वॉच पहनी हुई है और हाथ में कंगन है, मैंने चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनी है, इसकी वजह से जो है साड़ी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा आ रहा है। और ये बहुत ही जो अगर आप डे के लिए कहीं जा रहे हैं तो ये जो साड़ी है और ये जो लुक है बहुत ही परफेक्ट लुक है आपके लिए। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन, इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। छोड़े जा रही हूँ आपको अपने कुछ फोटो शूट के साथ, अगर आप इंस्टा में होंगे तो आपने पहले